अच्छा, कैश की बात देखिए, हमने अब अकाउंट बनाया किसका? कैश के बाद हमारे मिस्टर अली कैपिटल का अकाउंट आता है, ठीक है? अली कैपिटल, ये देखें मिस्टर अली कैपिटल, क्रेडिट में कितने? 7 लाख से, 7 लाख से, ठीक है? क्रेडिट में हमने 7 लाख लिख दिया, और क्यों क्रेडिट में? इसका अपोजिट में क्या है? कैश। अली के कैपिटल अपोजिट में क्या है? कैश। तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? कैश, ठीक है? टोटल कितना? 7 लाख। डेबिट में कोई फिगर नहीं है, तो महीने की 28 तारीख आ गई, 28 फरवरी, यहाँ पे हम लिखेंगे सी एफ, कितने का फ़र्क है? 7 लाख का, 7 लाख यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे एक लकीर लगाएंगे, यहाँ पे एक लकीर, ये 7 लाख हो गए, दोनों साइड इक्वल करेंगे, ठीक है जी? यहाँ पे भी एक लकीर लगाया, यहाँ पे भी एक लकीर लगाया, और ये 7 लाख लिखिए। 7 लाख कहाँ से गए थे आपके? क्रेडिट में से गए थे। अगले फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है? मार्च का, मार्च 1, हम यहाँ क्या लिखेंगे? डी एफ, ठीक है? कितने? 7 लाख, ठीक है? अगर आप ये देखें, आपने यही यहाँ पे भी किया था, किस में? अगर आपको याद हो, कैपिटल में, देखें 7 लाख आपके था फरवरी, 7 लाख, ठीक है? बैलेंस 7 लाख क्रेडिट में, यहाँ पे देखें कैपिटल 7 लाख आपका क्या? क्रेडिट में बैलेंस। ये बैलेंस हम यहाँ पे यहाँ लेके जाते हैं क्लोज करने के लिए, दोनों को इक्वल करते हैं, क्लोज करते हैं। सी एफ क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैरी फॉरवर्ड, बी एफ ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, बिगनिंग बैलेंस को बी एफ नहीं कहते हैं, जब कहते हैं तो उसको बिगनिंग बैलेंस कहते हैं, लिखते हुए बी एफ लिखते हैं, जब वर्बली कहते हैं तो बिगनिंग बैलेंस। सी एफ रिटर्न में आता है, जब हम कहते हैं तो सी एफ माने कैरीड फॉरवर्ड है, लेकिन जब हम उसको वर्बली कहते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, ठीक है? इसी तरह बैंक का आ जाए, देखें बैंक की भी हमने पोस्टिंग की है, डेबिट में हमारे पास है 3 लाख, क्रेडिट में है 40 हज़ार। तो देखें ये मैंने यहीं से ले लेता चला, हम वहाँ पे जाते ही नहीं, देखें देख बैंक में 3 लाख और 40 हज़ार डेबिट के लिए, 3 लाख और 40 हज़ार। अब ये क्यों था ये देखें, यहाँ से अब हम देखते हैं, ये बैंक में डेबिट था 3 लाख, फरवरी 3 में क्या? कैश, 3 लाख डेबिट, डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाएगा? कैश आपके पास, सही 3 लाख। और दूसरा आपके पास फरवरी 7 में कैश आपके पास है, ठीक है? बैंक आपका डेबिट था 3 लाख से, ये गया अकाउंट आ गया। दूसरा बैंक अकाउंट आपके पास है फरवरी 9 में, क्रेडिट में 40 हज़ार से, 40 हज़ार शॉप रेंट एक्सपेंस, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे शॉप रेंट, ठीक है? 3 लाख और 40 हज़ार, कितने का फ़र्क आया आपके पास? 3 लाख 60 हज़ार का, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 लाख 60 हज़ार। आप इसको इसी तरह इक्वल करेंगे, ये कितने हो गए? 2 लाख 60 हज़ार, सही? कितना आ गया? 2 लाख 60 हज़ार, 3 लाख माइनस 40 हज़ार, तो 2 लाख 60 हज़ार का आपके पास फ़र्क आ रहा होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3 लाख, टोटल कितना हो जाएगा? 3 लाख। ये क्या लिखेंगे? फरवरी 28 सी एफ, सही है? ये 3 लाख था, 2 60 यहाँ पे दिए, इक्वल करने के लिए 3 लाख हो गए। अब यहाँ पर आ जाए, अगला महीना मार्च 1 बी एफ, कितना फ़र्क था? 2 लाख 60 हज़ार, ठीक है? 2 लाख 60 हज़ार, ये देखें कितना था? 2 लाख 60 हज़ार कैश में, सेम वही प्रोसेस, ठीक? इसी तरह आप आ जाइए इस पर, परचेज़ का अकाउंट देखें, परचेज़ का अकाउंट हमारे पास एक ट्रांजेक्शन ये रही फरवरी 5 में 1 लाख से, ये लिख दिया फरवरी 5 में 1 लाख से, क्या परचेज़ है? कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल, उधार और दोनों है आपके पास, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख से, क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं थे, इसी तरह फरवरी 28 सी एफ 1 लाख, ठीक है? अब इसको क्लोज करें, 1 लाख यहाँ लकीर लगाएं, 1 लाख, और फरवरी के बाद कौन सा महीना आ गया? मार्च 1 बी एफ 1 लाख, ठीक है? इसी तरह सारे आपने करना है, जिस तरह अकाउंट पेबल, देखें आपके पास एक ट्रांजेक्शन हमारे पास है अकाउंट पेबल, कौन सी तारीख में? फरवरी 5 में आपने परचेज़ किया, ठीक है? अकाउंट्स पेबल का अपोजिट में क्या है? परचेज़,
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेस, क्या लिखेंगे, परचेस, इसको भी क्लोज कर देंगे इसी तरह। फेबरी 28 CF, कितने का फ़र्क आ रहा है, 60,000 का, सही। लकीर लगाएं, 60,000 लिखें, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करें इसी के फील्ड में, 60,000 लिखें। ये 60,000 कहाँ से गया था, क्रेडिट में से, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्च 1st BF 60,000, ठीक है। तक अगर आप यहाँ पे देखें, आपने जो अकाउंट बनाया रखी है अकाउंट, उसमें भी देख लें 60,000 क्रेडिट बैलेंस था। तो यहाँ पे देखें आपके पास, ये भी आपके पास 60,000 क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद की अकाउंट सीलिंग, अकाउंट सीलिंग में देखा आपने पोस्टिंग की है 80,000 की, और 80,000 का बैलेंस है, सेम वही आएगा यहाँ पे भी। देखें आपके पास 80,000 की पोस्टिंग है, और ये क्या है, अकाउंट सेल आपका सेल किया है, अकाउंट सेल आपका क्या है, इसका पॉजिट में क्या है, सेल, यहाँ हम लिखेंगे सेल, ठीक है। अब इसको भी क्लोज करेंगे, फरवरी 28 CF कितना आ गया आपके पास, 80,000 का आ गया, 80,000 लिख लेंगे। इसको भी इसी तरह क्लोज करेंगे, 80,000, ठीक है, 80,000। और ये अकाउंट सेल कहाँ था आपका, बिगनिंग में आ जाएगा, मार्च 1st BF कितना, 80,000 से, ठीक। ये आपका हो गया अकाउंट सेल के बाद। अकाउंट सेल के बाद आपके पास कौन सा अकाउंट है, सेल का, ठीक है। सेल में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है 2 लाख की, ये देखें सेल में 2 लाख की ट्रांजेक्शन है, और ये ट्रांजेक्शन सेल की आपकी कौन सा, फरवरी 7 नज़र आ रहा है, कैश और अकाउंट सेल। यहाँ पे हम लिखेंगे कैश एंड अकाउंट, कितने का फ़र्क आ रहा होगा, 2 लाख का कोई आपके पास नहीं है फ़र्क, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 लाख, 28 CF, इसको भी क्लोज कर देंगे, यहाँ पे 2 लाख, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लाख क्लोज हो गया। कहाँ से गया था ये, यहाँ से मार्च 1st BF 2 लाख, ठीक है। इसी तरह शॉप रेंट एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन आपके पास एक ही है, देखें शॉप रेंट एक्सपेंस नज़र आ रहा है 40,000 से, यहाँ पे भी 40,000 से, ये देखें डेबिट में अभी शॉप रेंट एक्सपेंस क्या था, आपने चेक दिया था नज़र आ रहा होगा, शॉप रेंट एक्सपेंस चेक दिया, ठीक है। तो बैंक लिखा हुआ आपने इसका अपोजिट में, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे अपोजिट में इसके, बैंक, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फरवरी 28 CF कितने से, 40,000 से। अब आप इसको क्लोज कर देंगे, 40,000, और यहाँ पे इसके बराबर में 40,000, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, फरवरी के बाद क्या गया, मार्च 1st बिगनिंग BF, ठीक है, BF कितने से, 40,000 से, सेम वही देखा कि आपने यहाँ पे बनाया था, काम किया मेरा शॉप एक्सपेंस 40,000 से, ठीक है ना। ये बैलेंस क्या आ रहा था, 40,000 से बैलेंस, ये रहा 40,000 से इसका बैलेंस आ रहा था, ठीक। ये 40,000 यहाँ पे बैलेंस आ गया। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीक़ेकार है, ठीक है। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा, बस की प्रैक्टिस करें, CF BF करके लकीरें लगाएं, लकीरें ड्रॉ करें, सेम वही प्रोसीजर, सिर्फ फर्क डिस्क्रिप्शन का है और आपका कुछ भी नहीं है।